चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। अजय देवगन की बादशाह शुक्रवार को पूरे भारत में एक साथ रिलीज हुई है। पहले दिन से अजय देवगन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला है। फिल्म को अपने शुरुआती दिन में ही करीब 25-30% की ओपनिंग मिली है। फिल्म का कुल बजट करीब 80 करोड़ का बताया जा रहा है और फिल्म ने अपने पहले दिन ही करीब 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और दूसरे दिन यानी शनिवार को करीब फिल्म ने 15 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर लिया है, जो पहले दिन की कमाई से काफी ज्यादा है। फिल्म ने कुल नेट कारोबार करीब करीब 28 करोड़ रुपए के आसपास कर चुकी है। अगर रविवार को फिल्म का अच्छा कारोबार कर लेती है तो इस बार अजय देवगन पर 3 सालों का ग्रहण छूट जाएगा। ट्रेंड लास्टिक तनर आदर्श ने फिल्म के कारोबार को विस्तृत जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। बात करें अजय देवगन की फिल्म बादशाह की तो यह एक पूरी तरह से एक्शन कम थ्रिलर फिल्म है। रोमांच और सस्पेंस से भरी इस फिल्म में सभी का काम बेहद ही अच्छा है। इतना ही नहीं, अजय देवगन भी अपनी इस फिल्म में काफी खुश नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ट्विटर का सहारा लेते हुए अपने फैंस को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि अजय देवगन की पिछली फिल्म सिवाय जैसे तो बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। सिवाय ने अपने रिलीज के 3-4 दिन के भीतर ही सिर्फ 34 करोड़ कमाए थे, लेकिन अब अजय देवगन की बादशाह के फिल्म मेकर से काफी अच्छी उम्मीद है। इतना ही नहीं, साल 2015 में रिलीज हुए अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म जिसम ने अपनी ओपनिंग डे में 8 करोड़ की कमाई की थी। अजय की यह फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन में 50 करोड़ की कमाई करती है तो यह फिल्म सुपर हिट हो सकती है।